ओम ज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। तो हम लोग श्री राधा रस सुधा निधि के माध्यम से और श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी की अनुभूतियों के अनुगत्य में किशोरी जी का अति मंगल स्वभाव, उनकी लीलाएं और मंजरियों का किस प्रकार स्मरण होना चाहिए, किस प्रकार प्रार्थना होनी चाहिए, कैसी उनकी हृदय की स्थिति है, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने 32वें श्लोक पे चर्चा करी, श्रीपाद का हृदय में जो स्फूर्ति की लीला चल रही है उस पर पिछले 3 श्लोक से हम लोग उस लीला पे चर्चा कर रहे हैं। कल स्फूर्ति में विराम आया और 33वें श्लोक में श्रीपाद ने किशोरी जी से प्रार्थना करी, उनकी चरण रेणु की वंदना करी। तो 33वां श्लोक जो है जिसमें वो चरण रेणु की वंदना कर रहे हैं उस पर मैं आपसे कल जब हम मिलेंगे तब उस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। बहुत बहुत क्रांतिकारी श्लोक है, मैंने एक दो जगह पहले भी कथाओं में उस श्लोक का रेफरेंस दिया है, तो उस श्लोक का मज़ा आपके साथ बैठ के चर्चा करने में ही आएगा। तो कल जब मिलेंगे तो फिर उस पर चर्चा करेंगे। आज मैं 34वें श्लोक पर फिर चर्चा कर रहा हूँ। तो 34वें श्लोक में श्रीपाद बोलते, वृंदा टवी प्रकट मन मत कोटि मूर्ते, कस्यापि गोकुल किशोर निशाकर अस्य, सर्वस्व संपुट एव स्तनशात कुंभा, कुंभ द्वयम् स्मर मनो वृषभानुपुत्रया। बड़ा आसान है ये, ऐसे ही शब्दों से समझ में आ रहा है। वृंदा टवी प्रकट मन मत कोटि मूर्ते, कस्यापि गोकुल किशोर निशाकर अस्य। हे मन, कस्यापि वृंदावन टवी प्रकट मनमथ कोटि मूर्ते गोकुल किशोर, भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, जो कोटि मनमथ मूर्ति है गोकुल किशोर। निशाकर अस्य, निशाकर मतलब चांद, जो कृष्ण चंद्र हैं उनका जो सर्वस्व है, सर्वस्व संपुट एव, उनका सर्वस्व संपुट क्या है, किशोरी जी के उरोजों की बात कर रहे हैं, किशोरी जी के वक्ष की बात कर रहे हैं। श्याम सुंदर का सर्वस्व संपुट जो किशोरी जी के वक्ष हैं, उन कुंभ द्वय का स्मरण कर, अपने मन को ऐसा आदेश दे रहे हैं कि हे मन, जो मनमथ कोटि मूर्ति गोकुल किशोर श्री कृष्ण चंद वृंदावन में, उनका जो सर्वस्व संपुट है किशोरी जी के वक्ष, उनके स्तन, उनका स्मरण कर जो वृष भानु की पुत्री है। और किस प्रकार उनका स्मरण कर रहे हैं, कनक द्वय, मतलब कनक कलश द्वय, जो दो कलश के समान है, जो दो कलश सोने के कलश के समान है। तो श्रीपाद जो हैं, देखो ये नित्य सिद्ध परिकर हैं और महाप्रभु के एकांत कृपा पात्र हैं, इसीलिए पिछले श्लोक में जिसकी आज हम अभी चर्चा नहीं कर रहे, जिसकी हम कल चर्चा करेंगे, उस पे इन्होंने किशोरी जी के चरण रज की वंदना करी। उनके चरण रज की इसीलिए क्योंकि महाप्रभु के कृपा पात्र हैं और उन्हीं की चरण रज की वंदना भी वो सदा किया करते थे। ये वही प्रकाशानंद सरस्वती हैं जो प्रबोधानंद सरस्वती के रूप में वृंदावन में आए। इन्होंने भी एक चैतन्य चरितामृत लिखी है, उसको उसका नाम कुछ और है, चरितामृत नहीं कुछ और उसको बोला जाता है, चैतन्य चरितावली नहीं कुछ और नाम से बताया जाता है। तो उसमें वो भी, वो इन्होंने श्रीमन महाप्रभु पे शास्त्र लिखा, फिर इन्होंने वृंदावन महिमा अमृत लिखा और फिर ये राधा रस सुधा निधि इन्होंने लिखी। तो वृंदावन महिमा अमृत भी बड़ा रसमय शास्त्र है, उसमें वृंदावन की महिमाओं का गान किया। तो
सदा कृष्ण सदा श्रीमन महाप्रभु के चरणों की रज की प्रार्थना करते करते इन्होंने वही उसी स्वरूप में किशोरी जी के चरणों की रज की भी प्रार्थना करी। अति निवीड़ है इनका स्वरूपावेश, जो है सदा हमेशा स्वरूपावेश में ही रहते, और स्वामिनी जी के चरणों को छोड़ इनके मन में कुछ आता ही नहीं। आप देखो राधा रसुदा निधि में जिस प्रकार से क्रम चल रहा है, और चाहे भाइयावेश हो चाहे इनका अंतरावेश हो, कोई भेद नहीं है। भाइयावेश में आके भी वही प्रार्थना करते हैं, भाइयावेश में आके भी वही किशोरी जी की प्रार्थना, भाइयावेश में आके भी वही उनकी पिपासा रहती है, उन्हीं की उनकी माधुरी का, उनके स्वभाव का, उनकी महिमा का, गुण का, लीला का, उन्हीं का चिंतन, चाहे भाइयावेश में चाहे भीतर। बस भीतर में ये है कि स्वरूपावेश में उनका फिर वो स्वतः स्फूर्ति मिली जिसमें लीला का दर्शन हो रहा है, और बाहर आए तो उस लीला के दर्शन की लालसा हो रही है। तो इनका मन जो है वो बाबा बताते हैं मधुकर रूप में, जैसे मन रूपी मधुकर इनका किशोरी जी के चरण रूपी कमलों में जाके बस वहीं टिक गया है, वहीं का रस पान करने में सदा लगा रहता है। और इन्हीं आचार्य पादगण को हम लोगों को भी अनुगत्य करना है, हमारे आदर्श हैं ये, इनके अनुगत्य में ही हमें भी, हम ये किस लिए कर रहे हैं कि इनके अनुगत्य में हमारा जीवन चले, जैसे जो ये बता रहे हैं उसी प्रकार से हम भी वैसे ही अपने जीवन को निर्वाह करें। अब देखो फिर मैं जैसे बार बार बोलता हूँ बाबा, यहाँ तो हम जैसे साधकों के लिए इतनी दैन्यता वर्ष बोलते, बाबा बोलते देह दैहिक आदि नाना प्रकार के आवेश को लेके, जो जैसे हम लोगों का जो आवेश है, जो पूर्ण रूप से देह में ही हमारा आवेश लगा हुआ, हमें भूल से भी कभी ये चिंतन नहीं होता कि मेरा स्वरूप है, भूल से भी इतना देह दैहिक आदि में लगे हुए हैं। तो इसमें बाबा बोलते देखो जो ये परिकर है इनकी तो राधा निष्ठा की तुलना ही नहीं है, और हम जो ये पढ़ रहे हैं हमारा क्या है कि हम हमारे देह आवेश की तुलना नहीं है, सदा हमेशा देह आवेश में रहते। तो देह आवेश जो है वो इतना अगर हमारा रहेगा तो क्या मुंह लेके स्वामिनी के पास जाओगे, बाबा बोलते क्या मुंह लेके जाएंगे स्वामिनी के पास, अगर इतना कुछ मिलने के बाद भी हमारा देह आवेश रहा तो क्या बोलेंगे। एक व्यक्ति जिसने आपको सर्वस्व दे दिया, सब कुछ दे दिया, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास ना हो, कोई ऐसी बाधा नहीं है जिसके कारण हम स्वरूपावेश में निष्ठ ना हो, कोई ऐसी बाधा नहीं है कि हम स्मरण ना कर सके, उसके बावजूद हम स्मरण नहीं करते, उसके बावजूद हमारा सारा नियम जो है वो केवल नियम पूर्ति के लिए ही होता है। तो इस प्रकार से अगर हम रहेंगे तो कैसे हम उनको फेस कर पाएंगे। और ये असली में होता है, कभी कोई गलती हो जाए, कभी कोई इंद्रिय तृप्ति का आवेश ज़्यादा हो और कुछ कर दें तो घबराहट होती है, और सच में गिरिराज जी के समक्ष आने में, बाबा के समक्ष आने में घबराहट लगती है कि क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बोलेंगे, इस प्रकार का डर रहता है। और अभी तो एक एक छोटा छोटा एक्ट होता है, जब मान लो आपका पूरा जीवन निर्वाह हो गया तो बाद में क्या चेहरा दिखाओगे, क्या बोलोगे, क्या नहीं दिया था, संग दे दिया, गुरुदेव खुद आ गए, दीक्षा दे दी, शास्त्र दे दिए, शिक्षा दे दी, उन जिनके साथ करना है वो संग दे दिया, वो वातावरण दे दिया जिसमें हम भजन कर पाए, मन बुद्धि और हर प्रकार से वो वातावरण हम लोगों के पास है, चाहे हमारा देह हो, आयु हो, सब चीज़ों से हम कर सकते हैं, मगर फिर भी नहीं किया तो क्या बोलेंगे, क्या रह जाएगा, और क्यों नहीं कर रहे। बहुत जबरदस्त बात बाबा ने आगे बोली कि उस महाभाव प्रतिमा के आगे उच्चिष्ट जीवन समर्पित करने में लाज आएगी कि नहीं आएगी, बात को समझ रहे हो, ये उच्चिष्ट जीवन देने के लिए नहीं है। उच्चिष्ट क्या होता है, आपने खाया पिया और जो बच गया, जो उच्चिष्ट बच गया, वो उच्चिष्ट जानते हो शास्त्रों में किसको दिया जाता है, आपका अगर खाना पीना, पहले तो झूठा छोड़ना नहीं चाहिए, अगर खाना पीना कोई झूठा छूट गया तो वो उच्चिष्ट जो है वो कुत्ते को डाला जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, अपना सारा जीवन तो अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं, अपने आप को पूरा इंद्रिय तृप्ति में झोंक दिया, यहाँ सब कुछ किया, आनंद किया, मौज मेला किया, पूरा देह दैहिक आदि सारे जितने संबंध थे सब उन्हीं के साथ डूबे रहे, सब कुछ किया,
और जो बाद में जब बुढ़ापा आ गया, जब रोग आ गए, जब जिन परिवार से आसक्ति थी उन परिवार वालों ने ही आपको त्याग दिया, जब आप काम करने लायक नहीं रहे, जब आप इंद्रिय तृप्ति करने लायक नहीं रहे, सब जगह से आपका तिरस्कार हो गया, इस पूरे संसार ने आपको छोड़ दिया, आपने नहीं छोड़ा, संसार ने आपको छोड़ दिया, तब उस उच्चिष्ट जीवन को लेके हम पहुंचे, अब हम ठाकुर जी का भजन करेंगे, अब भजन करेंगे। और लोग तो बड़ी बेशर्मी से आज भी, अरे इस उम्र में भजन करने की क्या जरूरत है, ये बुढ़ापे की चीज है। अरे अपना उच्चिष्ट दोगे क्या अपने इष्ट को, जो सब खत्म हो जाएगा जब कुछ नहीं रह जाएगा, तो वो दोगे क्या, वो जीवन दोगे कि अब कुछ है ही नहीं, अब तो वैसे भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब क्या करोगे। तो ठाकुर जी के चरणों में अमनिया जाना चाहिए, अमनिया ठाकुर जी को भोग लगता है, उच्चिष्ट नहीं लगता। अमनिया लगता है कि नहीं लगता, शुरू शुरू में जो पहली सब्जी आई उसको काट पीट के बना के फिर वो अमनिया करके फिर ठाकुर जी को भोग लगाया। तो ऐसे ही हमारे साथ होना चाहिए, अपने जीवन में ये जितने देह आवेश है इसको हटाओ, अमनिया करो अपने आप को, ये जो देह आवेश हटाए, ये सगे संबंधी का ये जो मोह हमारा जाल यहां पे फंसा हुआ है वो मोह जाल हटाया, ये मान प्रतिष्ठा आदि ये सब जो है ये सब काट के फेंके, और फिर वो अमनिया जो है वो शुद्ध चित्त लेके ठाकुर जी के चरणों में पहुंचेगी, अब मैं भजन करने को आया हूं। ये कंचन आदि की ये सब जो स्त्री की पैसे की मान मर्यादा प्रतिष्ठा ये वो ये सब जो ये सब अमनिया करना होगा, सब हटा के ठाकुर जी के किशोरी जी के चरणों में अर्पित, लो अब आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं अमनिया पोचना, उच्चिष्ट अर्पित नहीं किया जाता। सब कुछ त्याग कर अनन्य भाव से श्री राधा चरणों में आश्रय लेने की शिक्षा दी है गोस्वामियों ने। आप बताओ जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद है वो कौन सी आयु में गए थे, रूप सनातन गोस्वामी उस समय में 3 लाख अशरफियां सोने की छोड़ के ठाकुर जी के चरणों में गए थे। आज मिल जाए तो आज करोड़पति अरबपति हो जाए, और वो उस जमाने में इतनी नाव भर के अशरफियां थी उनके पास, सोने के सिक्के थे नाव भर के, वो सब दे दा के एक पैसा नहीं रखा अपने पास, ऐसे होके गए थे श्रीमन महाप्रभु के चरणों में। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद 1 लाख रुपया उनके मानसिक आय थी, 1 लाख रुपए बिजनेस था, आज की डेट में भी बड़ा अच्छा माना जाता है अगर कोई लाख रुपया महीने का कमाता, वो 500 साल पहले लाख रुपया कमा रहे, वो छोड़ के उनकी पत्नी बोलते कोई अप्सरा हो जैसे, ऐसी सुंदर पत्नी थी, वो छोड़ के सब त्याग के श्रीमन महाप्रभु के चरणों में गए। और क्या खा रहे हैं, जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद खराब हो जाता है वो खराब डाल दिया जाता है, जो गाय माता इत्यादि सब पशु खा के उसको छोड़ देते हैं उसको लेके आके पाते हैं। पहले भिक्षा किया करते थे जगन्नाथ जी के मंदिर के आगे, फिर उन्हें लगा ये भिक्षा तो वेश्या प्रवृत्ति है, मेरी आशा बनी रहती है, हर एक को देखता रहता हूं शायद ये दे जाएगा, शायद ये दे जाएगा, शायद ये क्या हो रहा है, तो सब त्याग दिया। और मैंने उन संत की आपको कथा सुनाई थी जिनके कान में पानी भर गया था, कीड़े पड़ गए थे, वो अपने जीवन में क्या निर्वाह करते थे, कैसे अपने जीवन में रहे हैं, जो चने लोग बंदर को डाल जाते थे वो बंदर भी चबा के जो फेंक जाता था, जो फेंक जाता था वो पाते थे, एक चना भी बोलते उन्होंने अपने जीवन में साबुत नहीं पाया, क्यों बोलते थे ये तो चोरी हो जाएगी, लोगों ने बंदरों के लिए फेंका और मैं पा जाऊं, बंदर के हिस्से का मैं खा जाऊंगा क्या, ये तो चोरी हो गई, वो तो उन्होंने बंदर के लिए डाला है, तो जो बंदर खा के चबा के छोड़ जाए वो छिलके खाते थे, उससे जीवन निर्वाह किया। इसको बोलते हैं अमनिया होके ठाकुर जी के चरणों में जाना, उच्चिष्ट जीवन नहीं कि आप अपना सब कुछ करा, पूरा दह दही आदि उसमें लगे रहे, सब करा, यहां आप मान लो माला हो गए, आप रोज करते हो तो सारा पूरा दिन तो अपने रास विलास में लगे रहे, ये किया वो किया ऐसे किया वैसे किया, शॉपिंग पे गए यहां गए वहां गए, और रात को जब बिल्कुल खत्म होने वाला है वो तो नियम पूर्ति के लिए आप वो जो उच्चिष्ट बच गया उसमें फटाफट से हरे कृष्णा करके हमने माला कर ली, ये स्टाइल नहीं है माला करने का, माला करनी सुबह सर्वप्रथम उठते ही सबसे पहले अमनिया ठाकुर जी को,
फर्स्ट चीज जो है अपने जीवन की भी और दिन की भी प्रारंभिक अवस्था आयु की ठाकुर जी के चरणों में देनी चाहिए। युवा अवस्था में जो लोग ठाकुर जी के चरणों में जाते हैं इसीलिए ठाकुर प्रसन्न होते हैं। वो अवस्था जिसमें सबसे ज्यादा आदमी चंचल होता है उस अवस्था में ये भजन कर रहा है, प्रसन्न होते हैं। वो चिष्ट दिया बुढ़ापे में तो क्या दिया, वो तो वैसे भी देना था, वो तो संसार ने आपको वैसे भी त्याग दिया था, आप वैसे ही कहीं के नहीं रहे थे। तो अन्यान्य से अनन्य भाव से अन्यान्य आश्रयों को छोड़ के अनन्य भाव से आश्रय लेना पड़ेगा। और स्वरूपावेश के बिना बाबा बोलते अनन्य शरणागति संभव नहीं है। जब तक स्वरूप में आविष्ट नहीं होंगे, जब तक स्मरण ऐसा नहीं करेंगे कि हम अपने स्वरूप में आविष्ट हो, तब तक ये जो शरणागति है अनन्य भाव की ये संभव नहीं है। कैसे होगी, दे दे आदि से तो हो ही नहीं सकती। तो खैर, अब इनके हृदय में श्रीपाद के लीला का स्फुरण हुआ। ये सब बातें मैंने कल आपके समक्ष करनी थी 33वें श्लोक में। तो इस श्लोक में तो लीला का स्मरण फिर से प्रारंभ हुआ और निशांत काल है इस समय। ये पूरा देखो क्रम चल रहा है, कहाँ वहाँ नंदालय में गए थे, सुबह मिले थे, फिर सुबह के बाद, फिर उसके बाद फिर संकेत कुंज में बुलाया था जब शाम को मिले थे। अब जब शाम को मिले, जब कल हमने देखा था किशोरी जी ने बोला कि विलास शैया तैयार करो, दूसरे निकुंज में तैयार करो, वो तैयार करी, अब वहाँ पे वही निशांत काल का समय है। तो उस निशांत काल के समय में गाढ़ अलिंगन बद होके श्याम और किशोरी जी सो रहे हैं। और बाबा बोलते ये जो सो रहे हैं ये इस विश्व की निद्रा नहीं है। इस विश्व की निद्रा को थोड़ा तमोगुण बोला जाता है, तमोगुण में सो रहे हैं, एकदम पता ही नहीं है, होश ही नहीं है। संतों की नींद ऐसे नहीं होती, तो बस हल्का सा आंख बंद करके थोड़ा आराम कर लिया, एकदम ऐसे कि घड़ी भी अगर टक 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 कर रही है तो भी नींद खुल जाएगी, बिल्कुल कच्ची नींद, बस थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, बस डिस्टर्ब नहीं होते, खुल गई है नींद तो भी आराम कर रहे हैं, बस थोड़ी देर के लिए जो देह को थोड़ा आराम देना है देना है। तमोगुणी व्यक्ति होता है, वो सो रहा है, राल टपक रही है, वो थूक गिर रही है, सुबह उठा तो सारा सराना गीला है, इस प्रकार की जो नींद है ये तमोगुणी नींद होती है। उल्टे हो गए, सीधे हो गए, पता ही नहीं है। कहीं एक व्यक्ति बता रहे थे महाराज, वो कहते मैं तो सुबह अलार्म से उठनी, मैंने कहा क्यों अलार्म भैया, दो लगा लो तीन लगा लो, अलार्म छोड़ो महाराज, मैं पलंग पे सोता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ गिरा होता हूँ नीचे, मेरे को तब नहीं पता होता। मैं पलंग से नीचे गिर जाता हूँ रात रात में, मेरे को पता ही नहीं चलता। तो ये जो निद्रा है ये तमोगुणी की निद्रा है। तो ऐसी निद्रा नहीं है बाबा बोल रहे, जो श्याम श्यामा जी जो किशोरी जी सो रहे हैं, ये तो रस आलस है, रस आलस से मिला हुआ, रस आलस। जैसे आप समझो अंग्रेजी में बोले तो रेस्ट इन रस, जैसे हम बोलते हैं ना रेस्ट इन पीस, ये रेस्ट इन रस, रेस्ट करें रस में, रस आलस। हालांकि रेस्ट इन पीस भी कोई खराब टर्म नहीं है, लेकिन हम इस्तेमाल इसको हमेशा खराबी में ही करते हैं। हम जो जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ गया हम तब बोलते हैं रेस्ट इन पीस, अदरवाइज संत रेस्ट इन पीस एवरी डे। भैया जो पीस में है वो रेस्ट ही तो कर रहा है पीस में, सारे संत रेस्ट इन पीस ही हैं। वो तो आदमी को जीवन भर ऐसी दे दही आदि में जो लगा, वो उसको ऐसे जीवन की भाग दौड़ लगी हुई है कि लोग उसके मरने पे भी बोलते हैं रेस्ट इन पीस, नाउ ही विल रेस्ट इन पीस। तो वैष्णववादी जो हैं, संत जो हैं, वो पीस में ही रहते हैं, तो दे आर रेस्टिंग इन पीस। और श्याम श्यामा जी जो हैं ये तो रेस्ट इन रस, रस आलस। तो जो किशोरी जी की जो सखियां मंजरियां हैं वो सब सेवाओं में रत है, वो तो ऐसे ही जरा सी देर, थोड़ी सी देर बस ऐसे सोए, नाम मात्र का होता है कि बस चलो थोड़ी सी देर लेटे आपस में, तब भी कोई फुस 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 बातें बूते चल रही हैं और बस फिर खड़े हो गए, जरा सी देर के लिए लेटे। वहाँ ये वाला इस प्रकार का शरीर नहीं है जो थक जाए, टूट जाए, पसीना आ रहा है, सिर दर्द हो रही है, सर्वाइकल हो रही है, कुछ नहीं होता।
पूरा सेवा गठित शरीर है, हर समय सेवा से, सेवा ही उसकी खुराक है। सेवा ना मिले तो शरीर शिथिल पड़ जाएगा कि क्या कर रहे हैं, और ऐसा होता ही नहीं कि सेवा ना मिले, हर समय सेवा है। मैंने एक बार पहले भी चर्चा कर रहा था कि आपके घर में विवाह हो, शादी का महोत्सव हो, तो लोग दो दो चार चार पांच पांच महीने पहले ऐसे हो जाते, भैया टाइम नहीं है, पांच महीने बाद इसकी शादी है, हम तो बिल्कुल टाइट पैक्ड हैं, कहीं नहीं कुछ नहीं कर सकते। और अगर शादी का ही दिन हो, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते किसी से उसे एक मिनट की, आज तो शादी है, विवाह इतना बड़ा उत्सव, तो जो घर वाले जिनके घर में होनी है, सारे जिसका विवाह हो रहा है उसके माता पिता भाई सब बुरे तरीके से व्यस्त है, और तैयारी कब से चल रही है, छः आठ महीने पहले से चल रही है, छः आठ महीने से व्यस्तता है एक दिन के विवाह के लिए। और वृंदावन में तो ऐसे है कि यहाँ पे तो रोज विवाह हो रहा है, राधा कृष्ण का मिलन रोज ऐसे ही होता है जैसे एक विवाह की तैयारी होती है पूर्ण रूप से। अच्छा और कितनी बार हो रहा है, बोले दिन में आठ बार हो रहा है, अष्ट पहर में आठ बार मिल रहे हैं, तो वहां आठ महीने में एक विवाह हो तो आदमी बिजी हो जाता है, यहाँ एक दिन में आठ बार विवाह हो रहा है, हर समय अलग श्रृंगार अलग सज्जा ये वो सब कुछ, अलग प्रकार का भोजन, अलग प्रकार का दूसरा कुंज, अब दूसरा कुंज, अब दूसरा कुंज, फिर उसकी शोभा, फिर उसका सब सामान सज्जा सब कुछ, अलग क्रीड़ा अलग सब कुछ, तो खाली तो बैठने का समय ही नहीं है, तो हर समय पूर्ण रूप से सेवा में लगे हुए हैं। तो इस समय भी मंजरियां जो हैं वो उठ के अपनी सेवा में रत हैं, श्याम श्यामाजू जो हैं वो गाढ़ अलिंगन बद रस आलस में शैया पर पौड़े हुए हैं दोनों, और सुरभित मधुमंद समीर युगल रस के स्पर्श से भी सबके जीवों के प्राणों को पुलक आदि दे रही है। ये समीर देखो, ये हर समय वहां की पवन वायु जो वहां की है वो हर समय सेवा में वो भी लगी है, फुर्सत नहीं है उसके बाद भी, जल्दी से देखना इस समय कहां क्या करना है। वो देखा ठाकुर जी खो गए, श्याम जी खो गए, रास्ता इधर चले गए, तो किशोरी जी की गंध वाहन लेके वो श्याम जी तक पहुंचा रही है। अब जब श्याम जी जा रहे हैं किशोरी जी के मिलने के लिए, किशोरी जी विरत कंठा में है वो आ रहे हैं, तो श्याम जी से पहले उनकी गंध फटाफट से लेके किशोरी जी तक जा रही है। इस समय दोनों एक साथ हैं, तो उन दोनों की गंध लेके जो आसपास की सखी मंजरियां इत्यादि पशु पक्षी तोते पक्षी सब तोता मैना वगैरह सब जो पक्षी भी है ना वो भी आनंद ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो युगल की जो समीर है जो उनको स्पर्श करके जो वायु पवन निकल रही है वो उनकी गंध जो है वो सब जिस जीवों में जो आसपास है उन तक पहुंचा रही है। तो सुबह सुबह बड़ा सुंदर वातावरण है, बिल्कुल सुबह सुबह अब उठने का समय है, मंजरियां सब उठ गई हैं, सब उन्होंने सेवा इत्यादि सब शुरू कर दिया, जितनी सेवा की सामग्री थी वो सब कुंज में ले जाके रख दिया है, और बाहर कुंज रंध्रों से देख रही है, और उनको स्पर्श करती हुई पवन जो है वो सबके भीतर पुलक आदि विकार पैदा कर रही है, इतनी सुंदर खुशबू, बड़ा ऐसा वातावरण है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़ी धीरे 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 वायु चल रही है, और वायु जब चलती है तो ऐसे लगता है मानो जैसे कहीं थोड़े घुंघरू बज रहे हो, इस प्रकार से बड़ी सुंदर ध्वनि आती है, और फिर उस सुंदर ध्वनि के साथ वो खुशबू भी साथ में आ रही है, श्याम श्यामा जी की मिलित खुशबू, तो एक नया फ्रेग्रेंस बन गया है। श्यामजू की आए पता लग जाता है ये तो ठाकुर जी की है, किशोरी जी की आए पता लगी किशोरी जी के, दोनों की मिल के आ रही है, और बड़ी अच्छी जैसे एक लहर में चल रही है, और धीरे 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 पक्षियों की चहचहाट और मानो हल्के हल्के से जैसे घुंघरू बन रहे हो ऐसे सुंदर हवा सुबह के टाइम चल रही है। वृंदा देवी के आदेश से जो शुक और सारी हैं वो अपना आलाप करके उनको उठा रहे हैं, ये बड़ा सुंदर आलाप है जो गोविंद लीला स्मरण या गुटिका में हम लोग कभी पढ़ेंगे, तो हमने करा भी हुआ है पूरा निशांत लीला पे, तो जो सुबह सुबह होती है उस समय उनका आलाप करके वो उठाते हैं शुक और सारी, वो भी बोल बोल के उनको उठाते हैं, और धीरे 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 बोलते जो श्याम सुंदर और किशोरी जी हैं वो अपनी निद्रा त्याग कर आलस अंगों से शैया पर धीरे धीरे बैठ जाते हैं, और शय्योत्थान सुषमा, बाबा देखो कितना जबरदस्त बता रहे, जो शय्योत्थान सुषमा है वो देखने वाली है,
जो उनके भीतर से लावण्य उस समय निकल रहा है वो देखने वाली इसलिए क्योंकि उस समय बिल्कुल श्रृंगार नहीं है। इनका श्रृंगार जो है वो तो ढक देता है ना इनके सौंदर्य को। जैसे जब मैं ये पढ़ रहा था मेरे को गोविंद देव जी का चेहरा याद आ रहा था। गोविंद देव जी का चेहरा मंगल आरती में देखो, आहा, उसके बाद जितना मर्जी श्रृंगार कर लो लेकिन वो आनंद जो है मंगल आरती वाला जो है वो नहीं आता। तो मंगल आरती के दर्शन असल में वैष्णवों को ऐसे ही करने चाहिए। ये बोला मंगल आरती के दर्शन पता है कहाँ है? व्हेन यू आर एंटरिंग द बेडरूम ऑफ श्यामा श्यामा जी, माधव और किशोरी जी के आप बेडरूम में एंटर कर गए, वो मंगल आरती के दर्शन है। इसीलिए तो वैष्णवगण तड़पते मंगल आरती में जाने को, नहीं तो भाई यार सुबह सुबह क्या जाना, वो बाद में भी तो वही दर्शन होने हैं, बाद में कर लेंगे। ना ना ना, मंगल आरती का दर्शन तो भैया निकुंज में बेडरूम के भीतर के दर्शन है। उस समय जो उनकी सुषमा है वो देखने वाली होती है। कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, बड़े सुंदर सुंबल साधारण कपड़ों में एकदम। तो यही कुंज रंध्रों से मंजरियां जो हैं वो ये दर्शन का आस्वादन कर रही हैं और रस आलस में श्याम श्यामा जी के सारे अंग जो हैं वो शिथिल है, वेशभूषा जो है वो अस्त व्यस्त है। वहीं पे ये श्यामा जी बार बार जिस प्रकार से जम्भाई ले रही हैं, जब वो कहते हैं जम्भाई लेती है तो उनकी शोभा माधुरी उफन उफन पड़ती है। आप यूं समझो, जैसे आपको सरल शब्दों में समझाऊं, हम जैसे अपने मोबाइल पे टॉर्च जला दी, अब वो टॉर्च के आगे उंगली रख दी और फिर हटाई, फिर रख दी, फिर हटाई, तो वो बोलते जब वो जम्भाई लेती है ना तो ऐसे मानो कि आपने वो टॉर्च में से उंगली एकदम से हटा दी। जब ले रहे हैं तो वो सुषमा जो है वो लावण्य जो है वो थोड़ा छुपा हुआ है, दबा हुआ है, और एकदम से छोड़ के जब किशोरी जी ने यूं अंगड़ाई ली तो सारे अंग से ऐसे लावण्य निकल रहे जैसे एकदम टॉर्च में से हाथ हटा दिया हो किसी ने, ऐसे एकदम प्रकाश निकल रहा है। ये अनुभव की बात है जो बाबा बताते, ये देखने पे ही जब आप अनुभव करोगे, आनंद लोगे तो आनंद होगा कि किस प्रकार वो निकल रही है। हम लोगों को तो ये सब केवल पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन क्या आनंद होगा ये देखने में। और दोनों भी वहां से मंजरियां आस्वादन ले रही हैं और यहां दोनों एक दूसरे के माधुर्य के से अपने नयन कटोरों को भर रहे हैं, मानो रस निकल रहा है, टपक रहा है और नयन कटोरे भर रहे हैं। मंजरियों के लिए तो आस्वादनीय है ही है, स्वयं श्यामजू के लिए भी आस्वादनीय है ये जब किशोरी जी जम्हाई लेती है। तो इस निद्रा की खुमारी को दूर करने के लिए फिर रूप मंजरी आज्ञा देती है एक मंजरी को, अंदर जाओ। और वो अंदर जाके जैसे एक सुंदर शरबत, जैसे मान लो हम कहें तो अमृत रूपी शरबत, वो पिलाती है किशोरी जी को। और फिर उनके वदन कमल द्वय अपूर्व सुषमा उनके श्रीमुख को पानी से धुलाती है और बड़े स्वच्छ और सुकोमल वस्त्र से उनका मुख पोंछती है। अब बड़े दर्शनीय हैं उनके वो दर्शन कि जब वो उनका मुंह धुलाती है, मानो जैसे आपने कहीं कभी ये देखा हो, जैसे कमल के पत्ते पे जल डाल दो, वो बिल्कुल ड्रॉपलेट ऊपर ऊपर रहते हैं, ऐसे ऐसा नहीं कमल गीला हो जाता है, तो जब आपने डाला तो एक एक ड्रॉप आप देख सकते ऊपर। तो ऐसे ही किशोरी जी के मुख पे जब पानी डाला तो बिल्कुल ऐसे जैसे कमल पे पानी छिड़काओ, एक एक पानी की बूंद जो है वो मोती के समान लगती है, जैसे मोती हिल रहा हो, ऐसे इतने सारे मोती एक साथ उनके चेहरे पे। और फिर उसको सुकोमल वस्त्र से साफ करते हुए श्रीमती श्याम सुंदर से फिर जब उठ गई, अब मुंह हाथ धुल गया, सब फ्रेश हो गए, श्याम सुंदर को अब वो दे देती, देखो शीघ्र से मेरी वेश रचना कर दो, अब ये सब अस्त व्यस्त हो गई हैं और अभी मेरी सखियां आती होंगी, मेरा परिहास करेंगी। और श्याम सुंदर बोलते पूरे अपना आत्मनियोग दे के पूर्ण रूप से तैयार होके आते कि हाँ मैं करूँगा आपका। और धीरे धीरे वो भाई उनको कुमकुम आदि ये सब मंजरियाँ सब सामग्री लेके खड़ी हैं, वो तो सब तैयार ही है, करो करो। और वो उनके वक्षों पे उस समय चित्रावली जो मकरई वो सब
रचना करती हैं, जैसे आजकल लोग टाटू वाटू बनवाते हैं, तो ये उस प्रकार का टाटू नहीं कह सकते, तो रोज होता है, टेम्पररी होता है ये, कुमकुम आदि से जैसे हम लोग जैसे गिरिराज जी के भी श्रृंगार करते हैं, मुख पे करते हैं, तो ऐसे उनके वक्षों पे वो रचना कर रहे हैं। और जैसे ही रचना कर रहे हैं तो किशोरी जी ने क्यों बोला जल्दी जल्दी से करो फटाफट, नहीं तो मेरी सखियां आ जाएंगी। यहां सखियां जो बोल रही हैं वो ललिता आदि सखियां, मंजरियां तो बिल्कुल ऐसे है ना जैसे किशोरी जी की परछाई है, उनके साथ तो कोई ऐसा लगता ही नहीं कोई बाहर का है, एकदम अपनापन है, ये तो अपनी है, ये तो इनको तो सब पता है। लेकिन ललिता विशाखा सखी के आगे थोड़ा सा मतलब ऐसे है कि ये तो सखियां मजाक उड़ाएंगी मेरा, ये ललिता सखी तो डांट भी देती है, तो सब रस में ही होता है। तो ललिता विशाखा आदि सखियां, तो इन सब से थोड़ा ऐसे लगता है कि अजीब लगेगा इन सबके सामने। और हुआ क्या कि वो चित्र रचना कर रहे हैं, इतने में सखियां अंदर आ गई और सखियों ने देखा, वो तो एक दूसरे के मुंह पर हाथ रख के जोर जोर के हंस रही, ये तो क्या हो रहा है किशोरी जी, क्या कर रही है, श्याम सुंदर क्या लगे हुए ये। तो अब बोलते श्याम सुंदर भी उस समय देखने वाले, जो कह रहे हैं ना कोटि मनमत, वो कोटि मनमत बोले इस समय ही लग रहे हैं कोटि मनमत मूर्ति। इस समय जब उन्होंने देखा कि ओ किशोरी जी की सखियां आ गई और उन्होंने देख लिया, वो बड़ा गौरवान्वित हो रहे हैं कि अब वो इनको ये सब इनसे बच रही थी, इन्होंने देख लिया, ये सब कर लिया, मजा आ रहा है उनको तो देख के, और गौरव महसूस हो रहा है किशोरी जी के साथ इस प्रकार वहां रहने से उनका गौरव बढ़ रहा है कि ये देखो जैसे विश्व सुंदरी, और पता लगे भैया विश्व सुंदरी की ये बॉयफ्रेंड है, तो वो बॉयफ्रेंड का थोड़ा रुतबा बढ़ जाता भैया, देखो जिसके पीछे सारी दुनिया वो हमारे साथ है। तो ऐसे बोलते किशोरी जी के साथ श्यामजू के रहने से श्यामजू का गौरव बढ़ रहा है और बड़ा, और किशोरी जी एम्बेरेस हो रही हैं कि तो सखियां आ गई ऊपर से और वो खुश हो रहे हैं। और उस समय उनकी जो मोहन मूर्ति है बोलते वो ऐसे जैसे, अब इस समय उनको बोला जाता है मदन मोहन, राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहना, अन्यथा विश्व मोहन अपि स्वयं मदन मोहिता। जो ठाकुर जी का एक नाम है मदन मोहन, मदन मोहन मतलब जो मदन को भी मोहित कर दें, इतने सुंदर हैं कि स्वयं कामदेव भी मोहित हो जाए, इतने सुंदर हैं। कामदेव का काम है लोगों को मोहना, मगर यहाँ तो कामदेव मोहित हुए रहता है, मगर कामदेव तभी मोहित हुए रहता है जब श्यामजू किशोरी जी के साथ हैं, जब इनके साथ हैं तो मदन मोहन है, अन्यथा स्वयं मदन मोहिता, वरना तो खुद मदन में मोहित हुए रहते, वरना तो किशोरी जी में स्वयं ये मोहित हुए रहते। तो बाबा बोलते देखो अनुराग से भरकर श्री राधा के स्वर्ण कुंभ जैसे उरोजों पर चित्रकली मकरी अंकित कर रहे हैं, वो तो अनुराग से भरकर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं अपना कार्य। अब ये और इस प्रकार से इतनी सावधानी से और ऐसे कर रहे हैं जैसे सर्व संपुट उनका यही है, जैसे संपूर्ण धन श्यामजू का बस यही है, मगर इसमें बाबा बोलते सावधान, पौरुष विकार लेके, ये देह विकार लेके, पौरुष विकार लेके संपन्न व्यक्ति जिसका इस प्रकार का देह में विकार है वो ऐसी रहस्यमय लीला का स्मरण का अधिकारी नहीं है। और इस प्रकार के जो श्लोक आदि हैं ये पंडाल प्रोग्राम में या पब्लिक में किए भी नहीं जाते, हालांकि ये प्रसारण भी यूट्यूब पे हो रहा है, मगर भगवत कृपा से बड़ी हमारी ऑडियंस भी बड़ी लिमिटेड ही है, और राधा रस सुधा निधि की तो बहुत ही लिमिटेड है, लोगों को ज़्यादा लोग पहले ही छोड़ देते हैं, तो क्या समझ में नहीं आती ये सब क्या बात है। तो जो सुन रहा है समझ रहा है वो सुनने का अधिकारी है, बाकी सब तो वैसे ही छोड़ देते हैं कि ये समझने की बात नहीं है। बाबा बोलते देखो जो श्याम श्यामा जी का जो जो राधा रानी का जो गोविंद के साथ ये जो रहस्यमय लीलाएं हैं इनकी जो उपासना है ये श्रेष्ठतम है, इससे ऊपर उपासना नहीं है। पर जिनका देह मन में पौरुष विकार अभी विद्यमान है उनका राधा गोविंद की ये रहस्यमय लीला की उपासना में अधिकार नहीं है, अभी उन्हें ये सब नहीं देखना सुनना समझना चाहिए, आएगी भी नहीं। देह दैहिक आदि की बात भूलकर स्वरूपाभिमान जागृत करना होगा, भावना में जाना होगा पूर्ण रूप से,
स्वरूपाभिमान में अपने आप को देखना होगा, ये अपने आप को राधा किंकरियों में से ही एक समझना होगा, मैं भी वही रूप संपन्ना, मैं भी वही किशोरी हूं, मैं भी वही राधा रानी की वही इनके बीच की एक सखी हूं, तब ये चिंतन होगा। जो मैं सखी हूं ये भी चिंतन ही होगा, चिंतन में ये सब करना होगा। वो बात नहीं कर रहे कि अब वो सखी वेश ले लिया, लहंगा चोली, ना ना वो नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये सारी जो साधना है वो हमारे स्मरण के लिए है। ये साधना जो है ये देह के लिए तो है ही नहीं, देह को तो भूलना है, तो देह को क्यों सजा रहे हो स्त्री वेश में या पुरुष में? अरे देह से आप कुछ हो ही नहीं, ये तो मिट्टी है, एकदम देह अवेश से हटना है, इस देह को नहीं सजाना है मंजरी की तरह, देह से कोई लेना देना नहीं रखना। स्वरूपावेश में जो गुरुदेव द्वारा स्वरूप प्रदत्त हैं वो अपने स्वरूप में जाएं, और जिनको अभी स्वरूप नहीं मिला है लेकिन इसी पथ के साधक हैं वो अपना स्वरूप फिर भी मंजरी स्वरूप में तो अपने आप को मेडिटेट कर ही सकते हैं कि मैं ये किशोरी जी की ये सखी हूं। तो उस स्वरूपावेश में इसका चिंतन करना होगा। किंकरी रूप में श्रीपाद देख रहे हैं, श्रीमदी के उरोजों पर वो पत्र भंग चित्रित कर रहे हैं, और जिनकी सारी इंद्रियां सब इसी में पूर्ण रूप से, बोलते ना सारी इंद्रियां इसी में लग गई, बस एकदम तल्लीन होके इसमें लगे हुए हैं। और श्रीमती जो है उस समय संकुचित नयना हो गई, भाई सब सखियां आ गई ऊपर से, और बोलते श्री हरि जो है वो तो ऐसा मान रहे हैं आज मेरी किशोर अवस्था सफल हुई है, आज आज सफल हुए हम कि भैया आ गए, देख लिया कि ये सब हो रहा है, हाँ तो कर रहे हैं ये सब ऐसे, वो तो खुश हो रहे हैं। और जब उन्होंने ये देखा तो बोलते अब ये देख ही रही हैं अभी, और श्रीपाद की सहसा स्फूर्ति में विराम हो गया। और बाबा बोलते इसमें देखो कोई जो स्वरूपावेश में स्थित है, जो भावना राज्य में जा सकता है, जो समझ रहा है, वो राधा रानी के उरोजों का ध्यान करने में उसके लिए कोई संकोच नहीं है। किस बात का संकोच? अरे मैं भी तो वही मंजरी हूं, मैं भी तो उनकी वही सखी हूं। युगल विलास स्मृति सार, ये तो लिखा ही गया, ये युगल विलास को स्मरण करना होगा, सिद्ध स्वरूप के अभिमान में डूबे रहना होगा। और अगर हमें सिद्ध स्वरूप में डूबे रहना है तो देखो ये बात मैं कितने श्लोकों से, कितनी बार ये अभी इसी सत्र में पिछले 3-4 बार से मैं बोल चुका हूँ, और यहाँ बाबा ने भी वही बात बोली कि अगर अपने जीवन को ऐसा सुशीतल करना है तो युगल माधुरी रस से पूर्ण ग्रंथ, ये जैसे विलाप कुसुम अंजलि और राधा रस सुधा निधि है, इनका श्रवण कीर्तन का नितांत आवश्यकता है, इनके श्रवण और कीर्तन की बड़ी आवश्यकता है। मैंने बोला था ना जिस रास्ते जाना है, जब वहां के आपको जाना है तो आपकी उत्सुकता होगी ना कि वहां के बारे में कोई बताए, कुछ बताए तो सही। तो ये तो अपना सर्वस्व बता रहे हैं, पूरा अनुभव बता रहे हैं, पूरा वहां का वातावरण हमारे सामने खोल दिया, किशोरी जी का स्वभाव बता दिया, श्यामजू का स्वभाव बता दिया, सबरी सखियों का स्वभाव बता दिया, मंजरियों का स्वभाव बता दी, सेवा परिपाटी क्या होगी वो सब बता दी, कितना सरल कर दिया हम लोगों के लिए। तो इसीलिए ये पढ़ के उसमें जाना होगा, और आगे भी अब यही आगे और 2-3 श्लोकों में इसी प्रकार का चिंतन श्रीपाद का चल रहा है। और बाबा बोलते देखो यही श्रवण कीर्तन करते करते जो हमारा हृदय परिमार्जित होगा, ये श्रवण कीर्तन करते करते जो हृदय का मार्जिन होगा, वो हृदय जो है जो इस श्रवण कीर्तन से परिमार्जित है, जो इस श्रवण कीर्तन से जिस हृदय की सफाई हो गई है, वही हृदय जो है उसमें स्वतः फिर स्फुरण होगा। अगर आप चाहते हो हमारे हृदय में स्फुरण हो तो इसको स्फुरण में लाने के लिए, इसके उपयोगी बनाने के लिए अपने चित्त की सफाई करनी होगी। वो सफाई किससे होगी? ये रस शास्त्र के श्रवण कीर्तन से ही सफाई होगी। और इसका स्मरण कब करेंगे? जब हम हरि नाम करते हैं।
जब हरि नाम करें तो यही लीलाओं का स्मरण करें तो जल्दी से हमारा चित्त जो है वो मार्जिन हो जाएगा और देह आवेश की जितनी उसमें गंध है वो जाती जाएगी और धीरे धीरे फिर हमारा भी अपना अनुभव बनेगा और हमारे को भी इन लीलाओं का स्फुरण होने लगेगा। तो कल हम लोग फिर पीछे 33वां श्लोक जिसमें श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। जय राधे।